पता नहीं काकी जी, कान्हा जी इस तरह से पल्लो जलाकर मुझे क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं अब कौन सा बड़ा संकट आने वाला है। संकट आने वाला नहीं है गोपी वो, बल्कि आने वाला संकट टल गया है। यदि ऐसा ना होता तो सिर्फ पल्लू नहीं जलता। गोपी वो, कृष्ण भगवान ने हम पर असीम कृपा की है और संकट का रुख मोड़ दिया। बहुत बड़ी आने वाली विपदा को टाल दिया। हाँ कोकिला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो चलो चलो, अभी तो बहुत सारे काम करने बाकी हैं। शादी के बाद पहली बार हमारी मीरा और विद्या घर आ रहे हैं, कितना कुछ तैयार करना है। चलो तो ये बताओ गोपी वो कि खाने में क्या बनना चाहिए। वो मीरा को मटर पनीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने उसके लिए मटर पनीर ही बनाया है। और हाँ, विद्या के लिए काजू करेले, उसे बहुत पसंद है। और हाँ, मेरी विद्या को मीठी कड़ी भी बहुत पसंद है, वो तो मैं जरूर बनाऊंगी। और रही बात मिठाई की, तो रबड़ी और बासुंदी बनाएंगे। फरसान में आज पूरे घर को जो पसंद है, और वो है गोपी के हाथ का बटाटा वड़ा। आज वही बनेगा गोपी दिकरा। आज कितने अरसे बाद हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। इतने समय से जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद मुझे पूरा यकीन है हमारी मीरा को ये एहसास हो गया होगा कि हम सब उसके अपने हैं, पराए नहीं। और शायद इसीलिए मीरा एक बार में ही कहने पर घर आने के लिए राजी हो गई, है ना कोकिला? गोपी, अब फिर किस सोच में पड़ गई तुम? पता नहीं काकी जी, सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को समझाऊं, पर पता नहीं मन में एक अजीब सी हलचल हो रही है। अब लगता है ये बेचैनी जब मैं अपनी दोनों बेटियों को अपनी आंखों के सामने देख लूंगी तभी जाए। बस तो कुछ ही घंटे बचे हैं, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी नजरों के सामने होंगी, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। वो भी दिख रहा, आज तक कान्हा जी ने तुम्हें कभी निराश नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है इस बार भी नहीं करेंगे। गोपी वो, हम सबको तो खुश होना चाहिए कि हमें श्रवण कुमार के रूप में बेटे से भी बढ़कर दामाद मिले हैं। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज श्रवण की वजह से ही अहम जी सुरक्षित है। दीप, पर मेरी बात तो बोला ना। अच्छा दीप, दीप मेरी बात सुनो ना। दीप, दीप मेरी बात सुनो ना। दीप, दीप सुनो, प्लीज दरवाजा खोल दो ना। दीप प्लीज मेरी बात तो सुन लो। दीप मुझे अंदर आने दो ना प्लीज। दीप दरवाजा खोलो ना प्लीज। दीप सुनो ना मेरी बात। जी, मेरा इस घर में वापस आने का मकसद सिर्फ मेरी बहन को प्रोटेक्ट करने का था। मैं नहीं कर पाई, मैं क्या करूं अब? मैं नहीं बचा पाई मेरी बहन को। विद्या जी, प्लीज रिलैक्स। श्रवण जी, मीरा जी को थोड़ा अकेले रहने दीजिए। वो जैसे ठीक लगेगा वो अपने आप रूम से बाहर आ जाएंगी। आप भी संभालिए अपने आप को, क्योंकि मीरा जी जब भी अपने रूम से बाहर आएंगी
भाभी को उन्हें हौसला देना होगा। ये सब क्या हो गया श्रवण जी? इस घर में होते हुए भी मैं दी के लिए कुछ नहीं कर पाई। आप रोइए मत। हेलो, जय श्री कृष्ण माँ। विद्या, तुम लोग कब तक निकल रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली हम लोग। क्या बात है विद्या, तुम ठीक हो ना? सब सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं बाप, सब ठीक है। नहीं विद्या, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। जरूर कोई बात है, तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है या तो फिर तुम रो रही हो या अपना रोना रोक रही हो। अब सच सच बताओ क्या बात है? नहीं बाप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। जय श्री कृष्णा माँ, श्रवण बोलू छू। जय श्री कृष्णा श्रवण, क्या बात है, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ माँ, एक्चुअली वो हम रात को डिनर पर नहीं आ पाएंगे। अचानक से घर पे थोड़े मेहमान आ गए थे, इसलिए हम घर से निकल नहीं पाएंगे। ओह, अच्छा, कोई बात नहीं श्रवण, फिर कभी आ जाना। पर एक बात बताओ, विद्या ठीक है ना? हाँ माँ, विद्या जी बिल्कुल ठीक है। इनका गला थोड़ा बैठ गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अभी दवाई ले आऊंगा, विद्या जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। आज के लिए सॉरी माँ, लेकिन जब भी मुमकिन होगा ना, हम आपको फोन कर देंगे। श्रवण, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करो, पर उम्मीद रखती हूँ कि तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो। चलो मैं रखती हूँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है गोपी, वो लोग नहीं आ रहे? नहीं काकी जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई तो बात है जो विद्या और श्रवण दोनों ही छुपा रहे हैं मुझसे। गोपी वाओ, यदि कोई भी बात होती तो विद्या हमसे अवश्य कहती। मुझे लगता है कि तुम्हें नाहक चिंता हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं खुद विद्या से बात कर लेती हूँ। दादी, जय श्री कृष्ण। दादी, जय श्री कृष्ण श्रवण कुमार। अब मुझे अभी अभी गोपी वह ने बताया कि आप लोग भोजन के लिए नहीं आ रहे हैं। दादी, वो एक्चुअली घर पे थोड़े मेहमान आ गए हैं, इसलिए। हम कल लंच पर जाएंगे। दादी, अगर आपको एतराज ना हो तो कल हम दोपहर को लंच पर आ सकते हैं। अवश्य आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी वो, चिंता छोड़ो, उन्होंने कहा कि कोई खास मेहमान आए हैं इसलिए वो नहीं आ पा रहे, पर उन्होंने सामने से कहा कि आज रात को ना सही पर कल दोपहर को उच्चारो भोजन के लिए अवश्य आएंगे। खुश? कुछ ना कुछ तो बात है जो विद्या मुझसे छिपा रही है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
इंस्टा प्लस यूट्यूब पेज को।